हेलो एवरीवन, मैं हूँ उज्ज्वल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो महारथी कॉइनों की। जी हाँ, एक तो बिटकॉइन और दूसरा इथेरियम, तो जिसके ऊपर पूरी मार्केट डिपेंड करती है और हम सभी की नज़र इन दोनों कॉइनों पर ज़रूर होती है। इनकी परफॉर्मेंस हम देखना चाहते हैं और काफ़ी मन में सवाल उठते हैं कि ये परफॉर्म कब करेंगे। इधर आपने देखा, पीछे बिटकॉइन की हालविंग हो चुकी है और आने वाले समय में इथेरियम के ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है। अभी लेयर टू का ऑलमोस्ट टेस्टनेट वगैरह चल रहा है और इसके बाद आने वाले समय में हम 2.0 भी देखने वाले हैं, पे भी काम चल रहा है। तो काफ़ी कुछ इथेरियम के ऊपर हो रहा है और आने वाले समय में इथेरियम पे इन सब न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। हालांकि मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं दोस्तों, आपको पता ही है कि टेक्निकल के साथ साथ न्यूज़ वगैरह भी काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं सारी कॉइन्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। हालांकि न्यूज़ वगैरह आपको तो मिलती रहती होगी और मैं टेक्निकली आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि बिटकॉइन और इथेरियम हाल फिलहाल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इधर हम लोग देख ही रहे हैं कि काफ़ी रेंज बाउंड के अंदर प्राइस चल रहा है और एक जगह पे एक लिमिटेशन के बीच में प्राइस की मूवमेंट हो रही है। तो अब आगे कैसी परफॉर्मेंस होने वाली, मतलब प्राइस अपसाइड जाएगा या डाउनसाइड जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से। और मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे दोनों कॉइनों के ऊपर टेक्निकली एनालिसिस करके बताऊँगा कि इनकी परफॉर्मेंस आने वाले समय में कैसी होने वाली है, ऊपर जाने वाले हैं नीचे जाने वाले। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। दोस्तों, वैसे तो मैं कई कॉइन्स की सिग्नल्स वगैरह दे रहा हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े हों या फेसबुक पे जुड़े हों या इंस्टाग्राम पे जुड़े हों, सभी जगह पे आपको अपडेट मिल रही होगी और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी प्रॉफिट भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मुझे सोशल मीडिया पर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारे सिग्नल्स वहाँ शेयर कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी, आप मुझे सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल में मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो करेंसी की बातें करता हूँ। जो आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं तो इसी फील्ड से हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपको अपडेट चाहिए, आप टेक्निकली कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे यहाँ जुड़े हुए हैं। हालांकि दोस्तों, एक चैनल मेरा और भी है जो रिसेंटली मैंने बनाया हुआ है, YT बडी उज्ज्वल के नाम से, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वहाँ अपलोड नहीं किए हैं, 10 से 15 वीडियोज़ ही वहाँ पर अपलोड किए होंगे। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग इनकम अपॉर्चुनिटी के ऊपर वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो के अलावा और भी किसी टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नया चैनल है, जैसा प्यार आप यहाँ मुझे दे रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ विज़िट करके उस चैनल को भी थोड़ा सा ग्रो करने में मदद कीजिए। और दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे YouTube चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करता है, जिससे कि आपका लॉस मिनिमाइज हो सके और प्रॉफिट हाई हो सके। तो दोस्तों, लेट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देख लेते हैं एक ब्रीफ डिस्कशन बिटकॉइन और इथेरियम की चार्ट एनालिसिस के माध्यम से और देख लेते हैं कैसी परफॉर्मेंस करने वाले हैं ये दो कॉइन। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं BTC USD के चार्ट पे। ये ब्रिटिश टाइम का चार्ट है, वीकली चार्ट है। पहले लॉन्ग टर्म में हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राइस की मूवमेंट क्या हो रही है और क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है, आपको ये एक रेक्टेंगल लाइंस दिख रही हैं कुछ एक दो चार्ट के अंदर, तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है, जहाँ से पुल बैक कर रहा है, जहाँ सपोर्ट ले रहा है, जहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं। तो वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में बात करें तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। एक आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन है और ये नीचे की तरफ है। तो ये आप देख रहे हैं प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के अंदर
मूव कर रहा है, यानी कि नीचे से जब प्राइस ये उठा था इस ट्रेंड लाइन में एक बार इसने ब्रेकआउट दिया था 2017 की बात करें, उसके बाद प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे आया, फिर इस पर सपोर्ट लेता हुआ फिर ब्रेक किया इसको नीचे। अब ब्रेक करने के बाद नीचे जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, जो मैंने एक ही सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, इसके बाद एक दूसरा सपोर्ट ये है, तो आप देख रहे हैं इस सपोर्ट पे आके कई बार प्राइस टकराया और इस जगह को होल्ड कर रहा है, यानी इस लेवल को जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ पर इसने ब्रेक किया। और ब्रेक करने साथ ही देख रहे हैं ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये 200 का मूविंग एवरेज है। लॉन्ग टर्म में मैं पहले भी आपसे ये बता चुका हूँ कि 200 का जो मूविंग एवरेज है वो ये दर्शाता है कि अगर हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, इट मीन्स कि हम लोग तेज़ी में हैं, हम लोग मंदी के दौर से निकल चुके हैं। तो अभी जितनी बार भी आप देख रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस वीकली चार्ट की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म में बात करें, तो हमेशा से 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर रहा है। ये जो प्राइस यहाँ सपोर्ट को तोड़ा इसने, और तोड़ने के बाद सीधे ये 200 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट पकड़ा और यहाँ से फिर प्राइस में एक उछाल देखने को मिली। उसके बाद से फिर यहाँ सपोर्ट लेते हुए प्राइस फिर ऊपर आया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। फिर उसके बाद प्राइस नीचे ड्रॉप हुआ, फिर ये सपोर्ट पकड़ता हुआ प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है कि $20,000 प्राइस चला जाएगा, $50,000 चला जाएगा, $18,000, जो भी हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं न्यूज़ के ऊपर या जो भी चीज़ें होती हैं वो तब होंगे दोस्तों। ये जब ये लेवल है जो ऊपर का लेवल आप देख रहे हैं, इसको ऊपर प्राइस जब तक नहीं क्लोज कर पाएगा प्रॉपरली, तब तक हम प्राइस को ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते। फिलहाल अभी तक अगर 2017 को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद प्राइस इस लेवल, जो ये लेवल आप देख रहे हैं रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, लगभग 13,729 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर प्राइस गया ही नहीं। अब देख रहे हैं यहाँ पे भी वो काफ़ी रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस, और उसके बाद यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, फिर उसको ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा फिर से कोशिश की थी तो इस लेवल के ऊपर गया ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रॉपरली कैंडल क्लोज करे, उसके बाद इस एरिए के ऊपर निकले जो कि 10,000 का लेवल है, इस एरिए के ऊपर निकले, उसके बाद फिर हम 13,000 के लेवल के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ही हम प्राइस में आगे मूवमेंट देख सकते हैं। इसी तरह से अगर बात करें हम डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट में देख रहे हैं कि ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन मैंने अभी दिखाई आपको वीकली चार्ट पे, इसके ऊपर ऑलरेडी क्लोज कर चुका, डेली पे क्लोज कर चुका है। लेकिन समझने वाली बात है कि एक छोटे से रेक्टेंगल चैनल के अंदर आप देख रहे हैं, ये चैनल आप देख रहे हैं, ये तो लॉन्ग टाइम ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, जो इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि वो ब्रेक कर जाए, वीकली चार्ट पे प्रॉपरली ब्रेक नहीं किया है लेकिन डेली चार्ट पे इसने ब्रेक कर दिया। और यहाँ भी देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस की मूवमेंट हो रही है, यानी अभी भी हम स्टिल मतलब अभी तक हम तेज़ी में दौर में हैं। ये ज़रूर है कि कुछ समय से प्राइस एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं ऊपर मैंने एक छोटा सा ड्रॉ किया हुआ है रेक्टेंगल और ये नीचे सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, तो अब देख रहे हैं प्राइस ऊपर जा रहा है, इस रेक्टेंगल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है तो यहाँ सपोर्ट ले रहा है इस लाइन पे, फिर ऊपर गया फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे सपोर्ट ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार कोशिश किया था ब्रेकआउट की नहीं कर पाया, फिर एक जगह यहाँ पे फिर इस जगह पे प्राइस करेक्शन करने लगा। तो प्राइस करेक्शन करते करते ही ऊपर जाता है दोस्तों। उसके बाद मैंने आवर फोन में कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया था, मुझे लगा दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और हेड एंड शोल्डर का जो ये नेकलाइन यहाँ पे बन रहा था, यानी कि जो मैंने एक लेवल बताया था करीब लगभग आप बात करें तो 9,375-9,494 आसपास का, मैंने कहा था अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो सीधे ब्रेक करने वाले सीधे भी नीचे आएगा, फिर 9,000 का सपोर्ट लेगा। तो लेकिन हालांकि यहाँ पे टच जरूर हुआ था, प्राइस नीचे जरूर आया था लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया और प्राइस यहाँ से उड़ गया ऊपर की तरफ। और अभी देख रहे हैं तो प्राइस में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि एक बुलिश कैंडल देख रहा है आवर फोर के चार्ट पे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि होपफुली अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर वाला ब्रेक कर जाता है, जो अभी हाल फिलहाल में रेक्टेंगल लाइन कह सकते हैं, ये रेक्टेंगल लाइन अगर क्रॉस कर जाते हैं दोस्तों, तो फिर अभी हमारा पहला जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो लगभग 10,800 समथिंग के आसपास का ये आपको रेजिस्टेंस मिलेगा पहला। इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद की बात है। अब देखने वाली बात है कि ये रेक्टेंगल अब की बार ब्रेक करता है कि नहीं, तो हमें वेट करना है इसके ब्रेकआउट का,
उसके बाद हम आगे फिर चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में कि बिटकॉइन की मूवमेंट क्या होने वाली है। तो अभी फ़िलहाल हम तेज़ी ही देख रहे हैं, ऊपर जाने की उम्मीद ज़्यादा है और अभी करेक्शन कर रहा है प्राइस एक लेवल पे आके। अगर ये लेवल ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली हम ऊपर जाएंगे और बहुत ज़्यादा अभी गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। फिलहाल अभी हम लोग सेफ जोन में हैं और आगे हम तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। बस वेट करना है कुछ इन लेवल्स का जो मैंने बताया है, इनके ब्रेकआउट का वेट करेंगे और इसके ब्रेकआउट के साथ ही हम लोग प्राइस को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो ये था BTC की एक अपडेट आपके लिए। अब दूसरा चार्ट देख लेते हैं ETH का। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इथेरियम के चार्ट पे। ये USD का चार्ट है, ब्रिटिश टाइम का, ये भी वीकली चार्ट है। लॉन्ग टर्म में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों प्राइस लॉन्ग टर्म में बात करें तो आप फिर देख रहे हैं मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ के रखी जो कि रेक्टेंगल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा और साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये जो लाइन दो लिख रही होंगी ये ट्रेंड लाइन है। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ऊपर की जो लाइन आप देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस एरिया को 2017 के बाद से ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे ड्रॉप हो रहा, फिर एक बार कोशिश जरूर किया था लेकिन होल्ड नहीं कर पाया लेवल को, फिर से ड्रॉप हुआ और प्राइस ने इस सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके नीचे ब्रेक कर दिया और नीचे इस जगह पर सपोर्ट लेते हुए प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर उठा और आप देख रहे हैं इस चैनल के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो इस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है ये जो चैनल आप देख रहे हैं। और अगर ऊपर की बात करें प्राइस में, जब तक ये 360 के ऊपर का प्राइस नहीं चला जाएगा दोस्तों, तब तक हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते प्राइस को ऊपर की तरफ। अगर हम चाहते हैं दोस्तों कि ETH का प्राइस बहुत अच्छे लेवल पर जाए तो जब तक 360 के लेवल को हम क्रॉस नहीं करेंगे, इस एरिया को यानी ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक हम नहीं आ जाएंगे तब तक हम प्राइस आगे तो नहीं देख सकते फिलहाल के लिए। और अगर बात करें डेली चार्ट पे, एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख रहे हैं प्राइस जो नीचे ड्रॉप हुआ था, ड्रॉप होने के बाद फिर यहाँ से प्राइस हायर हाई हायर लो करते हुए प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं एक ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया रेक्टेंगल, एक तरह से एक चैनल के अंदर प्राइस मूव कर रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है। ऊपर एक बार गया था और इस एरिया पे थोड़ा होल्ड नहीं कर पाया, फिर नीचे गया, फिर इस नीले लाइन को देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस, फिर ऊपर गया, फिर इस रेड लाइन से टकराया यानी ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बाद फिर से नीचे ड्रॉप हुआ था, फिर यहाँ से जब उठा प्राइस तो आप देख रहे हैं इसी पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर ही प्राइस की मूवमेंट हो रही है। तो अभी बात करें तो प्राइस यहाँ पे देखिए ऊपर आया जरूर था और फिर यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस और इस जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 250 के ऊपर का एरिया है, अगर इस एरिया को क्रॉस कर जाता है तो ही हम प्राइस ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। फिलहाल ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने अपसाइड दिखाया था, इसको भी क्रॉस करना ज़रूरी है अगर प्राइस को ऊपर हम जाते हुए देख सकते हैं। हालांकि अभी 200 का मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं, इसके ऊपर प्राइस बना हुआ है, इट मीन्स अभी हम लोग तेज़ी में हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक हम 250 के लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे, अब ये देख रहे हैं एक छोटा सा ट्रेंड लाइन और ड्रॉ किया, ये जो एक ऊपर का रेजिस्टेंस है यानी कि ये जो एरिया है जो मैंने 250 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए टकरा रहा है और यहाँ भी टकरा रहा है काफ़ी बार, इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रही। 250 का स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसको क्रॉस होने के बाद ही हम प्राइस को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर मैंने पोस्ट किया था इथेरियम के प्राइस को लेके, मैंने कहा था कि ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था और मुझे लग रहा था कि प्राइस जो है एक तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मूव कर रहा था और सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर भी ब्रेक कर सकता, नीचे ब्रेक कर सकता। तो मैंने आपको सपोर्ट बताया था कि लगभग प्राइस जो है नीचे 210 तक जा सकता है, नीचे 210 का सपोर्ट है। और प्राइस देखिए यहाँ से ड्रॉप हुआ और लगभग 216 तक प्राइस आया, फिर अचानक बायर्स ने प्राइस को खींच लिया और प्राइस फिर से ऊपर चला गया। यानी कि अगर एरिया ब्रेक कर जाता तो उम्मीद हमें और नीचे तक था, 210 तक का सपोर्ट था, फिलहाल 200 का सपोर्ट था। ये मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया था ETH के प्राइस को लेके, तो जिससे कि आप अवेयर रहें। और लेकिन प्राइस ने यहाँ से 216 का सपोर्ट लेते हुए ऊपर खींच लिया प्राइस को और अभी भी यहाँ पर देख रहे हैं एक करेक्शन फेज़ में है और प्राइस यहाँ से करेक्शन कर रहा है। अब होपफुली ये है कि प्राइस इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए, ये ऊपर
का लाइन अगर ब्रेक कर जाता है, 250 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर जाता है, तो डेफिनेटली हम प्राइस को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल है कि बहुत इंपॉर्टेंट है 250 का एरिया, क्योंकि बहुत स्ट्रांग लेवल है, प्राइस उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, बार बार उस जगह से फेल हो जा रहा, प्राइस नीचे ड्रॉप हो जा रहा है। तो देखने वाली बात है दोस्तों किस समय किस न्यूज़ की वजह से ये एरिया ब्रेक होता है। जिस दिन अगर ये 250 का एरिया ब्रेक हो जाएगा तो डेफिनेटली हम ऊपर प्राइस को जाते हुए देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है कि दोस्तों जो ट्रेंड लाइन मैंने बताया था, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, वो ध्यान रखिएगा। वो 360 के ऊपर जब वो ट्रेंड लाइन क्रॉस होगा उसके बाद ही हम हाई लेवल पे इथेरियम के प्राइस को देख सकते हैं। तो हाल फिलहाल आप समझ गए होंगे कि बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के चार्ट मैंने एनालिसिस किया, आपको बताने की कोशिश की कि किस एरिया में हम लोग हैं और क्या उम्मीद आगे हम कर सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं या आप कुछ और सोचते हैं इन दोनों कॉइनों के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए, मैं भी आपसे कुछ सीखूं। मैंने सारी चीज़ टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड बताई है, हो सकता है आपके थॉट्स अलग हों, आप अगर कुछ और सोच रहे हों, आपके मन में कुछ और सवाल हों, या इन दोनों कॉइनों के ऊपर आपके विचार कुछ और हों, तो प्लीज़ आप भी अपने फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, आप अपने कॉमेंट्स शेयर कर सकते हैं, और आप मुझसे सोशल मीडिया पे चैट भी कर सकते हैं। मैं सभी लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आप किसी कॉइन से रिलेटेड, किसी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं सभी का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।